नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नवीनतम अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आप दोस्तों अपने थंबनेल में देख लिया होगा कि RPSC में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा से संबंधित दोस्तों आवेदन मांगे गए थे, और उन्हीं आवेदनों से संबंधित दोस्तों यहाँ पे RPSC ने अंतिम चेतावनी दोस्तों जो कैंडिडेट है जिन्होंने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों आवेदन किया है या दोस्तों अपने फॉर्म भरा है जिन कैंडिडेटों ने, उन कैंडिडेटों के लिए दोस्तों अंतिम चेतावनी यहाँ पे RPSC के द्वारा जारी की गई। दोस्तों क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या डिटेल होने वाली है, कंप्लीट दोस्तों डिटेल में वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि RPSC ने ऐसा क्या दोस्तों नोटिस जारी किया गया कि जिन कैंडिडेटों को दोस्तों यहां पे चेतावनी जारी की गई और कैंडिडेटों को कहा गया कि दोस्तों कि अपने जो फॉर्म है वापस प्रत्याहारित या दोस्तों विड्रॉल कर ले, नहीं तो दोस्तों आपके विरुद्ध IPC की धारा 182 के तहत यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों तो क्या नोटिफिकेशन है दोस्तों, क्या ऑफिशियल सूचना है, कंप्लीट बात करने वाले हैं, और बात ही इसी के साथ साथ बात करेंगे दोस्तों IPC 182 में क्या दोस्तों यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया या दोस्तों या सॉरी अमेंडमेंट नहीं दोस्तों, इसमें क्या मतलब IPC 182 में क्या दोस्तों स्पष्टीकरण है जिसके कारण दोस्तों RPSC ने जो कैंडिडेट है वहां पे उनके लिए 182 यहाँ पे धारा लगाने का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो कंप्लीट दोस्तों वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। यदि चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले नवीन वीडियो का नोटिफिकेशन या नवीनतम जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको नोट्स PDF और अन्य प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों टेलीग्राम चैनल के माध्यम से PDF के माध्यम से दोस्तों आपको प्राप्त होती रहे दोस्तों। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो नवीनतम अपडेट के लिए दोस्तों। सभी के लिंक टेलीग्राम फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जहां से आप दोस्तों इनको क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो, और साथ ही साथ दोस्तों नवीनतम सूचनाएं वहां पे प्राप्त कर सकते हो। चैनल पे नहीं है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। बात करते हैं आज RPSC सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित नवीनतम अपडेट है दोस्तों। नवीनतम मतलब कह सकते हैं कि दोस्तों आज ही या मतलब 6 दोस्तों यहाँ पे नवंबर 2023 को आदेश जारी किया गया RPSC के द्वारा। उसमें दोस्तों RPSC ने जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा से संबंधित आवेदन किया है उनको यहाँ पे अंतिम चेतावनी जारी की है। पूरा आधिकारिक नोटिफिकेशन है दोस्तों, उस पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं RPSC मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं 6/11/2023 को नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि दोस्तों जो कैंडिडेट सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था या जिन्होंने जिन कैंडिडेटों ने यहाँ पे दोस्तों सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था दोस्तों, उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा दोस्तों यहाँ पे कॉलेज शिक्षा विभाग 2023 के पदों पर विज्ञापन अनुसार यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने के बावजूद भी यहाँ पे आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 के ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहारित विड्रॉल करने का अवसर प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि जिन कैंडिडेटों ने दोस्तों यहाँ पे सहायक आचार्य भर्ती के लिए योग्यता नहीं रखते हैं उसके बावजूद भी यहाँ पे दोस्तों उन्होंने फॉर्म भरा है, या कह सकते हैं दोस्तों एक कैंडिडेट ने मतलब 3 से 4 यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं बिना कोई दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हुए दोस्तों, तो उन कैंडिडेटों के लिए दोस्तों ये चेतावनी है RPSC ने दोबारा जारी किया गया दोस्तों। इससे पूर्व भी RPSC ने यहाँ पे अक्टूबर माह में बात कर लेते हैं 20 अक्टूबर 2023 तक यहाँ पे दोस्तों सूचित किया गया था कि जो असत्य सूचनाएं हैं जिनके आधार पे आपने फॉर्म भरा है दोस्तों उनके आधार पे आप फॉर्म वापस विड्रॉल कर लें। और उसी से संबंधित दोस्तों एक और अवसर यहाँ पे दोस्तों जो इन कैंडिडेटों को यहाँ पे प्रदान किया गया, जो कैंडिडेट वहां पे जाके दोस्तों लगभग दोस्तों बात कर सकते हैं यहाँ पे 8/11/2023 मतलब 8 नवंबर 2023 से यहाँ पे दोस्तों 11 नवंबर 2023 तक दोबारा से एक बार दोस्तों अंतिम आदेश या कह सकते हैं अंतिम चेतावनी यहाँ पे जारी की गई, जिसमें दोस्तों 8/11/2023 से 13/11/2023 तक यहाँ पे दोस्तों विड्रॉल फॉर्म कर सकते हैं जो कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं दोस्तों। मतलब सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों जो कैंडिडेट योग्यता रखते हैं वो तो यहाँ पे दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जिन कैंडिडेटों ने दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है और दोस्तों वो एक से अधिक यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए ये अंतिम अवसर है यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद में RPSC ने कहा गया कि सूचित किया गया कि असत्य सूचनाओं के साथ यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को IPC
जिनके विरुद्ध दोस्तों यहाँ पे अभ्यर्थियों के विरुद्ध दोस्तों आईपीसी की धारा 182 दोस्तों यहाँ पे 182 के तहत यहाँ पे दोस्तों अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी, मतलब दोस्तों यहाँ पे कानूनी कार्यवाही उनके विरुद्ध यहाँ पे की जाएगी। मतलब दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि 182 आईपीसी की धारा 182 के तहत यहाँ पे दोस्तों उन पे आरपीएससी के द्वारा यहाँ पे केस दर्ज किया जाएगा, जिनमें दोस्तों 182 में क्या दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी देखते हैं आईपीएससी की 182। तो इससे पूर्व दोस्तों नोटिफिकेशन को हम पूरा पढ़ लेते हैं। उसके उपरांत दोस्तों अनेक ऐसे अभ्यर्थी पाए गए हैं, मतलब दोस्तों यहाँ पे कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके उपरांत मतलब जो नोटिफिकेशन पूर्व में जारी किया गया था 20/10/2023 को, उसमें दोस्तों प्रत्याहारित या कह सकते हैं विड्रॉल करने का फॉर्म, विड्रॉल करने का अवसर प्रदान किया गया था, लेकिन उसके उपरांत भी यहाँ पे दोस्तों अनेक ऐसे अभ्यर्थी पाए गए हैं जो इस भर्ती विज्ञापन में दोस्तों पे सेक्शन की योग्यता आधारित नहीं है, मतलब सेक्शन की योग्यता नहीं रखते हैं। ऐसे अभ्यर्थी को विषयवार सूची विभाग की जो वेबसाइट यहाँ पे अपलोड कर दी गई दोस्तों, पूरी वेबसाइट पे आप ये क्या कह सकते हैं पूरी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। और दोस्तों यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हो पूरी लिस्ट यहाँ पे लगभग 600+ कैंडिडेट की दोस्तों 18 पेजों की पूरी लिस्ट है, आपको यहाँ पे दोस्तों चैनल पे मिल जाएगी, या दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही ज्वाइन करोगे दोस्तों, तो इस प्रकार यहाँ पे कह सकते हैं 634 कैंडिडेट की दोस्तों यहाँ पे 634 कैंडिडेट के दोस्तों यहाँ पे लिस्ट दी गई है। जिस प्रकार आप देख सकते हो सुभाष कश्यप, जैसे मैं दोस्तों आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सुभाष कश्यप नाम के कैंडिडेट ने दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 दोस्तों मतलब 5 फॉर्म यहाँ पे दोस्तों भर रखे सहायक आचार्य। और बात करते हैं कि किस किस में फॉर्म भरे, तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 में यहाँ पे दोस्तों उन्होंने इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फाइनेंशियल से फॉर्म भरा है। उसके बाद में दोस्तों उसी कैंडिडेट ने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे युवराज कश्यप, फादर्स नेम दोस्तों यहाँ पे सुभाष कश्यप, युवराज कश्यप, युवराज कश्यप, मतलब सभी दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट हैं एक ही कैंडिडेट के दोस्तों यहाँ पे बात कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन आईडी है यहाँ पे जनरेट हो रही है दोस्तों। और बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों एसएसओ आईडी, यहाँ पे ये दो क्या है दोस्तों एसएसओ आईडी, ये कैंडिडेट नेम है दोस्तों यहाँ पे, फादर्स नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे जो कॉलेज शिक्षा विभाग है, और दोस्तों यहाँ पे बाद में जो असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी पीटीआई जो उनकी वैकेंसी निकल गई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे सब्जेक्ट का दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है। तो मतलब इसी कैंडिडेट ने मतलब युवराज कश्यप ने दोस्तों इकोनॉमिक्स हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ईएफएम से आवेदन किया है, मतलब एक ही दोस्तों यहाँ पे दो दो आवेदन कर दिए गए। साथ ही ज्योग्राफी से भी आवेदन किया है, अकाउंट्स एंड बिजनेस से स्ट्रेटेजी, मतलब दोस्तों इसने कितने सारे मतलब 5 यहाँ पे दोस्तों पदों के लिए क्या किया है इसने आवेदन किया है दोस्तों। मतलब योगेश गौतम हो गया यहाँ पे दोस्तों, योगेश गौतम ने भी लगभग यहाँ पे दोस्तों एग्रीकल्चर से, इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स ईएफएम से यहाँ पे दोस्तों आवेदन किया। इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों एक से अधिक आवेदन जिनमें कैंडिडेट यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, 637 जो कैंडिडेट है दोस्तों जिन्होंने यहाँ पे आवेदन कर रखा है उनके यहाँ पे लिस्ट जारी की गई, जो दोस्तों पे मल्टीपल लिस्ट के आधार पे यहाँ पे 637 कैंडिडेट काउंट किए गए हैं दोस्तों, जो यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक की योग्यता नहीं रखते हैं, उनको एक बार अंतिम अवसर यहाँ पे दोस्तों प्रदान किया गया है दोस्तों। मतलब 8/11 मतलब वे कह सकते हैं कि दोस्तों आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर यहाँ पे दोस्तों देते हुए कहा गया कि एसएसओ पोर्टल पर लॉग इन करके यहाँ पे रिक्वायरमेंट का चयन, रिक्वायरमेंट जो पोर्टल है उसका चयन करके माई रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों परीक्षा के संबंध में विड्रॉल बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन में दोस्तों पे 8 नवंबर 2023 से यहाँ पे 13/11/2023 मतलब 13 नवंबर 2023 तक यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आवेदन पत्र प्रत्याहारित नहीं करने वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पे पात्रता जाँच उपरांत यहाँ पे सम्मत कार्यवाही की जाएगी, मतलब 13 तारीख के बाद में भी यदि ये कैंडिडेट विड्रॉल नहीं करते हैं फॉर्म, तो दोस्तों इनके विरुद्ध नियम अनुसार यहाँ पे कार्यवाही की जाएगी। और आरपीएससी ने स्पष्ट कहा गया कि आईपीसी की धारा 182 के तहत यहाँ पे दोस्तों इनके ऊपर यहाँ पे केस या दोस्तों आगे जो विधि सम्मत जो भी कार्यवाही होगी वो यहाँ पे की जाएगी दोस्तों। तो 182 की देख लेते हैं दोस्तों, 182 में ऐसा क्या स्पष्ट है, तो यहाँ पे देखते हैं आईपीसी की धारा 182 क्या है। आईपीसी सेक्शन 182 दोस्तों इन हिंदी विवरण सजा और प्रावधान, बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों आईपीसी की धारा क्या है, तो इस पेज में दोस्तों यहाँ पे आईपीसी भारतीय दंड संहिता की बात 182 में कहा गया है कि इस आशय से मिथ्या इतला मतलब मिथ्या सूचना देने के लिए यहाँ पे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए करे दोस्तों, मतलब मिथ्या सूचना देके दोस्तों यहाँ पे लोक सेवक को दोस्तों यहाँ पे विधिपूर्वक शक्ति का प्रयोग करके दूसरे को यहाँ पे क्षति पहुंचाना, इसी का 182 का यहाँ पे उद्देश्य है। और 182 के तहत यहाँ पे दोस्तों जिन कैंडिडेटों ने यहाँ पे विड्रॉल नहीं किया है या दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
नहीं रखने के बाद में भी यहाँ पे फॉर्म भरा है और साथ ही यहाँ पे विड्रॉल नहीं कर रहे हैं दोस्तों, उनके विरुद्ध ये कार्यवाही यहाँ पे की जाएगी। साथ ही यहाँ पे पूरा विवरण आप देख सकते हो 182 के तहत यहाँ पे दोस्तों पूरी आईपीसी की सेक्शन की पूरी धाराएं यहाँ पे दी गई थी दोस्तों यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे कैंडिडेट को दोस्तों अलाउ मतलब एक आदेश दिया गया है दोस्तों यहाँ पे 8/11/2023 से 13/11/2023 तक यहाँ पे फॉर्म विड्रॉल कर सकते हैं। कंप्लीट दोस्तों लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं उपलब्ध करा दूंगा, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो दोस्तों 637 कैंडिडेट की दोस्तों मल्टीपल जो कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट थी दोस्तों। नवीनतम सूचना के अनुसार दोस्तों यहाँ पे 6/11/2023 का नोटिफिकेशन था, मैंने कंप्लीट है दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया। यदि चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोस्तों ये जो लिस्ट है आपको टेलीग्राम चैनल से ही प्राप्त होगी, जिनमें आप अपना नाम चेक कर सकते हो कि आपका नाम तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये दोस्तों सूचना आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।